तो हेलो गुड मॉर्निंग, आज फिर से मैं मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो निकाल लीजिए आप नोटबुक और बुक को भी सामने रख लीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं 3D लेसन है 11.2, उसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आज की लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे आप सबको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसे एक अलग वीडियो में बना करके और आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे, आज 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पहले इसको आप अच्छे से समझिए कि ये क्या दे रखा है, किस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, पहले एक कंडीशन को समझना है। तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दैट मीन्स 10 का ए इक्वेशन दे रखा है, कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। ये बी नंबर क्वेश्चन भी हम यहाँ लिख दिए। तो देखिए पहले समझते हैं कि हम ये जो दिया हुआ है इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म है। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्म होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बोलिए है या नहीं है, है। यानी यहां पर जो लैम्डा का कोफिशियंट है ये वेक्टर बी कहलाएगा। एंड एक और इक्वेशन है यहां पर, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, म्यू वेक्टर बी। यहां हम 1-1 कर दिए तो यहां 2-2 कर सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान आपको देना पड़ेगा कि इसमें से वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपको अलग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर कर लीजिए क्या, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि देख सकते हैं वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। समझ में आया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A1 और B1 हम इसलिए कर लिए कि एक और इक्वेशन दे रखा, लेकिन होता फॉर्म तो यही है ना, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। इसी को देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ का जो प्लेसेस है ये वेक्टर A का ही है, तो ये वेक्टर A का है, तो हम चलिए वेक्टर A यहाँ अलग लिख देते हैं, -5j प्लस k, क्लियर है। तो यहाँ A1 ले लेते हैं, और ये क्या है बताइएगा, B1 क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 6k, क्लियर है यहाँ। और इसमें देख लीजिए ये भी एक इक्वेशन है, एंड एक ही क्वेश्चन का 2 इक्वेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, वेक्टर a 2 हो जाएगा, क्या बताइए, 7i माइनस 6k, क्लियर है। अच्छा अब B2 क्या होगा, ये पहले हमें बता दीजिए आप, यहाँ देखिए i प्लस 2j प्लस 2k। चलिए हम कंसीडर कर लिए वेक्टर a वेक्टर b, ये सब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन का यही फॉर्म होता है, और इस फॉर्म में दिया हुआ है तो a और b को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइंस का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है क्या, तो ये जब हम 3D स्टार्ट किए थे उससे बिफोर हम कुछ नोट भेजे थे, उसमें ये सब फॉर्मूला को स्पष्ट कर दिया गया है, तो देख लीजिएगा, अगर नवी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको दर्शा देते हैं क्या होता है मालूम है। यहाँ देखिए एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइंस क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2, यही फार्मूला है। आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का काम करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं इस फार्मूला पर। और एक बात और समझने की बात है,
एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइंस में केवल बी का ही काम है, ए का काम नहीं है। तो आप यहाँ न भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम इसलिए लिख दिए हैं कि आप समझे पहले शुरुआती स्टेप में, और जिसका जितना ज़रूरत है वही आप ले सकते हैं, क्योंकि सारा तो क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ ही रहा, समझ गए। अगर यहाँ लिख भी दिए तो ये गलत नहीं होगा, ये और स्पष्ट हो गया कि चलिए देखिए आपका बी वन और बी टू का ही काम है, ए का काम नहीं। ठीक है, तो चलिए इस पर हम बैठाते हैं। बी वन क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 6k इंटू बी टू कितना है, i प्लस 2j प्लस 2k, और यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसी का ले लीजिए आप, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू अब बी का, तभी यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब चलिए यहाँ कर देते हैं, तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ है 3 और यहाँ 1, इसका कोफिशियंट से मल्टीप्लाई होता है, जे का कोफिशियंट 2 और यहाँ जे का कोफिशियंट 2, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ लिख लीजिए 9 प्लस 4 प्लस 36 इंटू, फिर यहाँ 1 प्लस 4 प्लस 4। अब चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, बस सिंपल सा है, कॉस थीटा को आप लेते हुए आ जाइए, क्योंकि एंगल निकालना है तो यही थीटा का काम आता है। तो चलिए अब यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और 2 2 जा 4, तो 3 और 4 7 और 6 2 जा 12, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। और यहाँ देखिए 36 और 40, और 40 में 9 जोड़ेंगे 49, आइए रूट में है तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ क्या होगा 3। तो यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 19/21, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इधर आ जाएगा 19/21। ये देखिए क्वेश्चन हो गया फाइनल, एकदम इजी लग रहा है ना, सही सही बताइएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे बता देना चाहते हैं, आप इसे एक बार और समझ लीजिए कि जब भी एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा और इक्वेशन अगर लाइन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए यही रूल है, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दे देगा और निकालना रहेगा एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन, तब क्या करेंगे, तो वैसा भी क्वेश्चन लेकर के अभी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए 11 नंबर भी क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, और ये क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया हुआ है और निकालना क्या है, वही एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइंस। इसके बिफोर नंबर क्वेश्चन में क्या था, लाइन का इक्वेशन के फॉर्म में आपका एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, तो उससे आप आसानी से एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन निकाल लिए, और अब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो चलिए इसे भी समझते हैं। बस यही दो टाइप है और आपको समझना पड़ेगा, और बाद बाकी क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा घुमा करके देगा, तो चलिए हम वैसा क्वेश्चन लेकर के भी आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप, तो पहले यहाँ हम कुछ समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, देखिए समझ लीजिए, ये समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप सबके लिए। लाइन का इक्वेशन क्या होता था, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो केवल आपका वेक्टर बी का ही काम होता था, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ए है ये क्या है, पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये जो वेक्टर बी था ये क्या था, डायरेक्शन रेशियो वाला पॉइंट होता है इस फॉर्म में, अगर क्वेश्चन दिया हुआ था। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका क्या फॉर्म होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है यही डायरेक्शन रेशियो का पॉइंट है, किसका है, डायरेक्शन रेशियो का पॉइंट है। तो हमें जब भी कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन देगा तो वहां पर सिर्फ हमें डायरेक्शन रेशियो का ही पॉइंट का काम आने वाला है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये सब पॉइंट से कोई काम
नहीं होने वाला है, हम जब एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन निकालेंगे तब। ठीक है, तो जब भी आपको एक बार और समझ लीजिए कि जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आपको डिनोमिनेटर वाले पॉइंट का ही काम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर वाले फॉर्म को निकालेंगे तो इसको क्या होगा, आप देखें फर्स्ट ए वाला दो क्वेश्चन है, हम इसे भी आपको समझा देंगे कि इसमें क्या लेना है। तो ए में देखिए एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसी का काम होगा। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं ए वन इज इक्वल टू टू, बी वन इज इक्वल टू फाइव, सी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, और इसमें बताइए ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, बी टू इज इक्वल टू एट, और सी इज इक्वल टू क्या होगा फोर। अब इसका क्या फार्मूला है ये भी आपको लिख देते हैं, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू अपॉन रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर, और ये मोड में हो जाएगा, यही फार्मूला है। ठीक है, तो आपको ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया इसी कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म से। ठीक है, अब इस पर बैठा देंगे, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आपके साथ चलते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन टू इंटू ए टू माइनस वन प्लस बी वन फाइव इंटू बी टू एट प्लस सी वन माइनस थ्री इंटू सी टू फोर अपॉन में रूट अंडर ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर। तो यहाँ है ए वन टू का स्क्वायर बी वन फाइव का स्क्वायर, फिर यहाँ सी वन माइनस थ्री का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए फिर यहाँ ए टू दैट मीन्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर एट का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए सी टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 40 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 और यहाँ देखिए क्या होगा 4 प्लस 25 प्लस 9 इंटू यहाँ क्या होगा 1 प्लस 64 प्लस 16, क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अब यहाँ देखिए माइनस टू और माइनस 12 माइनस 14 आप प्लस 40 है तो ये क्या हो जाएगा 26 और यहाँ देखिए 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 और 38 तो यहाँ 38। अब यहाँ पर देख लीजिए ऐड करके कितना हो जाएगा ये 64 और 165 और ये 16 है तो कितना हो जाएगा 1617 18 क्या हो जाएगा यहाँ 81, क्लियर है यहाँ। चलिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड से हटा दीजिए, मोड का काम सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई टर्म निगेटिव आ जाए उसे पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला में है तो इसे आप लास्ट तक लेकर के आइएगा। तो इसका 9 हो जाएगा और ये कितना जाएगा रूट अंडर 38। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट अंडर 38। ये देखिए क्वेश्चन हो गया आपका फाइनल, एकदम इजी है या नहीं है ये पहले बताइए, एकदम है। और इसका बी नंबर भी क्वेश्चन सेम है, ध्यान दीजिए इसे ए वन लेंगे बी वन लेंगे सी वन लेंगे, इसे ए टू लेंगे इसे बी टू लेंगे और इसे सी टू लेंगे और सेम यही प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना पड़ेगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है उसका इक्वेशन, अगर लाइन में दिया हुआ रहेगा तो इसका बिफोर जो बताए हैं वो है, और कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए ये है, बस यही ध्यान में रखना पड़ेगा।
आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये ध्यान में आ जाएगा फार्मूला सब, ठीक है। तो चलिए इसमें एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा दिया गया है तो हम उसे पहले सीधा करके उसके बाद आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ, अब देखिए 12 नंबर भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे हम लिए हैं कि 13 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, यहाँ राइट एंगल कह रहा है, वहाँ परपेंडिकुलर कहेगा, बाद बाकी सेम राइट एंगल दैट मीन्स परपेंडिकुलर सेम ही है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ बताना चाहते हैं। और उससे ही भी ज़रूरी बात ये था इसमें कि कार्टेशियन फॉर्म जो दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर घुमाया हुआ है, तो पहले आपको परफेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में लाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद बनाएंगे। जब भी राइट एंगल का काम कहेगा उसमें भी सिर्फ हमें किस पॉइंट की काम होगा मालूम है, डायरेक्शन रेशियो का काम होगा, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो यही डिनोमिनेटर वाले पॉइंट है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें सीधा करना पड़ेगा। तो चलिए क्यों सीधा करेंगे, क्या सोच है ये पहले हम आपको बताते हैं कि फॉर्म होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। तो यहाँ देखिए x, y और z है ना, इसका कोई कोफिशियंट नहीं है और ये सब क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि x1, y1 और z1 यहाँ कुछ न्यूमेरिकल डिजिट वैल्यू होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ x, y और z जो है ये फिक्स है और इसकी कोई कोफिशियंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, x यहाँ माइनस में आ गया, तो डेट मीन्स x तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म जब ये होता है कार्टेशियन फॉर्म तो x तो पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये z भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये x1, y1 और z1 है यहाँ कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है, और a1, b1 और c1 यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ हम इसे सल्व करते हैं और सीधा करके बताते हैं आप सबको। तो यहाँ हमें इस पॉजिटिव चाहिए तो क्या करते हैं, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन लेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्लियर हुआ, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाई का कोफिशियंट सेवन आ गया जबकि नहीं होना चाहिए उसकी फॉर्म में, तो चलिए इसे यही सीधा करना है ना, तो सेवन को हम बाहर ले लिए तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, टू अपॉन टू पी, वाई कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये ठीक है, इसे रहने दीजिए, ओके, एंड यहाँ भी देख लीजिए माइनस सेवन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो माइनस वन, क्योंकि माइनस सेवन में वन से माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सेवन है, यहाँ प्लस सेवन, क्लियर हो रहा है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं सो आपको मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि मैं माइंड में ये घूम रहा है, इसीलिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं पहले। अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू, ये ठीक है इसे रहने दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ माइनस वन ले लीजिए कॉमन, तो ये जेड माइनस सिक्स अपॉन फाइव, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो माइनस है हम यहाँ कर देते हैं, और ये जो टू है सॉरी सेवन है इसे क्या कर देते हैं मालूम है, टू पी अपॉन सेवन कर देते हैं, क्योंकि तीसरा भिन्न है फिर ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हम यहाँ कर दिए, क्लियर है। इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू एंड एक्स माइनस वन अपॉन थ्री पी, ये वाला है यहाँ हम तीसरा भिन्न में रख दिए, क्लियर है, यहाँ माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव अपॉन वन, और यहाँ हो गया जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन रेशियो का जो पॉइंट है इसका आप नाम रख दीजिए, ए वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, बी वन इज इक्वल टू टू पी अपॉन सेवन, सी वन इज इक्वल टू टू है, और यहाँ देखिए ए टू इज इक्वल टू क्या है, माइनस थ्री पी अपॉन सेवन, और बी टू इज इक्वल टू वन, और सी टू इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब देखिए यूजिंग परपेंडिकुलर, यूजिंग परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल है डेट मीन्स परपेंडिकुलर का ही एक पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इज इक्वल टू जीरो। चलिए ए वन क्या है, माइनस थ्री, ए टू क्या है, माइनस थ्री पी अपॉन सेवन, बी वन क्या है, टू पी अपॉन सेवन इंटू बी टू क्या है, वन प्लस सी वन यहाँ है टू इंटू सी टू कितना है, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस
प्लस हो गया थ्री में थ्री पी से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन पी अपन से प्लस टू पी अपन से और यहाँ हो जाएगा माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। देखिए अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं, पी का वैल्यू निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, नाइन पी माइनस सॉरी टू पी और माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा ये। चलिए तो यहाँ नाइन पी और टू पी कितना पी हो जाएगा, ये इलेवन पी माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू जीरो, तो इलेवन पी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो इस साइड में प्लस में हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू सेवेंटी अपॉन इलेवन। देखिए ये बन गया क्वेश्चन, समझ में आया नहीं है तो बस यही करना था। अगर डायरेक्ट पॉइंट ले करके अगर हम बनाना स्टार्ट कर देते तो वही गलत हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये छोटा छोटा पॉइंट है, समझ गए बात। तो 14 नंबर भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एकदम सेम है। अब हम चलते हैं, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है, सेम है 14 नंबर। अब हम क्वेश्चन बताते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसमें भी इक्वेशन आपको इसी टाइप का दिया हुआ रहेगा, या तो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा लाइन के फॉर्म में और नहीं तो कार्टेशियन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बस यही दो फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और आपको फार्मूला थोड़ा बहुत बदल जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आज हम इसी लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरा बता देना चाहते हैं, और इस वीडियो को देखना आप मिस नहीं कीजिएगा, आप इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके काम के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ 14 नंबर में क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा, ये नया फार्मूला इसमें जुड़ जाएगा और ये इक्वेशन से आप लोग परिचित है पहले से कि इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म है और हमें निकालना क्या है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसका क्या फार्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं एस डी, क्लियर है। इसका ये फार्मूला आता है बी वन क्रॉस बी टू इंटू ए टू माइनस ए वन, ये वेक्टर का ही फॉर्म है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, यही फार्मूला है किसका मालूम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। डिस्टेंस का ये फार्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं मालूम है, एस डी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी के अनुसार हमें चलना है क्योंकि आपको वेक्टर बी वन बी टू ए टू ए वन आपको जो फाइंड करना है यही इक्वेशन में से आपको फाइंड करना है, अलग कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलिए करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए आप ये जानते हैं ना, वेक्टर r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी वन, वेक्टर r इज एंड डबल आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू, क्लियर है। तो ए वन ये है और लैम्डा का जो कोफिशियंट है वो बी वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं, ए वन क्या हो जाएगा यहाँ i प्लस टू जे प्लस के, अच्छा यहाँ देखिए b1 क्या है यहाँ i माइनस जे प्लस के, और a2 क्या है आप यहाँ ध्यान दीजिए 2i माइनस जे माइनस के, अब b2 क्या है ये बताइए 2i प्लस जे प्लस टू के, क्लियर है यहाँ। चलिए अब आपको निकालना क्या है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो पहले निकाल लेते हैं उसके बाद हम फार्मूला पर डालेंगे, समझ रहे हैं ना, इसलिए कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब दो वेक्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ रहेगा क्या क्वेश्चन, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का काम डिटरमिनेंट मेथड से किया जाता है, इसीलिए हम पहले अलग निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे, तो पहले i j और k लिख दिए और b1 इसका कोफिशिएंट लीजिए 1 इसका माइनस 1 और इसका 1, फिर b2 का ले लीजिए 2 1 2, चलिए निकालते हैं i, तो ये कैंसिल क्या बचा माइनस 1 1 1 2, फिर माइनस j, क्यों आप जानते हैं प्लस माइनस और प्लस का रूल चलता है जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, है ना बात, वही मेथड है ना यहाँ,
इसीलिए प्लस माइनस प्लस का काम यहाँ पर हो रहा है, प्लस यह माइनस। अब जे के लिए तो जे के लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 1 2 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 2 और 2 प्लस, अब क्या लेंगे के, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 माइनस 1 2 और 1। ये सब आप डिटर्मिनेंट में स्पेशल पढ़ चुके हैं, वहीं का है जो थोड़ा बहुत काम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वन में 2 से तो माइनस 2 और माइनस 1, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल जे, फिर यहाँ 2 माइनस 2 प्लस के, फिर यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस 2, हाँ 1 प्लस 2। अब यहाँ से देखिए आई माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा -3i, और यहाँ 0 तो हो जाएगा -0j, और यहाँ क्या हो जाएगा +3k, ये निकल गया। अब मैग्नीट्यूड का भी आपको काम है, तो इसी में मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लीजिए पहले, अच्छा होगा आपके लिए। तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से, तो -3 का स्क्वायर प्लस -0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये बताइए, 9 प्लस 0 प्लस 9, ये हो जाएगा 18 को लिख सकते हैं 3√2, क्लियर है। देख लीजिए ऐसे करके, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से कर लीजिए, 9 और ये 3 होगा, तो 3 का अलग ले लीजिए और ये √2, इसीलिए ऐसे लिखिए, ठीक है। अब फार्मूला पर देखिए हम कैसे बैठा देते हैं, अब आ जाइए नाउ ACD, ये फार्मूला है, क्या है बताइएगा, B1 × B2 · A2 − A1, ये मोड में है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ B1 × B2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या है, यहाँ है तो लिख देते हैं यहाँ -3i, 0 को हटा देते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, प्लस 3 के, और यहाँ A2 है, तो A2 क्या है ये बताइए, A2 कहाँ है, यहाँ 2i − j और माइनस के, तो यहाँ लिखेंगे 2i − j और माइनस के, क्लियर है, यहाँ माइनस A1 है, तो A1 कहाँ है, यहाँ i 2j और k, तो यहाँ लिखेंगे i + 2j + k, क्लियर है यहाँ। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड 3√2, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ऐसे 3i + 3k, पहले आपको ये माइनस, तो 2i में से 1i गया तो क्या हो जाएगा 1i, -j और यहाँ -2j, तो -3j, और यहाँ क्या है -k है, और यहाँ -k, तो -2k, क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3√2, बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक बात, यहाँ यहाँ j नहीं है, दैट मीन्स 0 है, तो यहाँ हम 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का भी j क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर यहाँ हम शो कर देते तो आप लोग को और स्पष्ट होता, नहीं है तो ध्यान में रखिए, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, लेकिन यहाँ टर्म ही गायब है, इसीलिए क्या है इसका मतलब वो टर्म 0 था। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी आई के कोफिशियंट, यहाँ आई के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हम आपको यहाँ कर देते हैं, थोड़ा आप समझदार है समझ जाइएगा, यहाँ से आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए इस आई का कोफिशियंट -3 है और यहाँ आई का कोफिशियंट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -3, क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए जे तो हटा दीजिए उसमें का भी, यहाँ देखिए के का कोफिशियंट 3 है और यहाँ के का कोफिशियंट -2 है, तो क्या हो जाएगा ये -6 हो जाएगा ना, 3 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, अपॉन में क्या है 3√2 मोड में है, तो ये हो जाएगा -9/3√2, इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो गया -3/√2 मोड में है, तो मोड हटाएंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। देखिए यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, एकदम इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझना है और बनाना है, समझ में आ गया बात। अगर आप पिछले वाला क्वेश्चन को समझे हैं तो ये आपको बिल्कुल आसान हो गया होगा। अब सेम उसी तरह इसका इक्वेशन का फॉर्म बदल जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसमें भी क्या करेंगे, डायरेक्शन जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उसमें से ए निकाल लीजिएगा, और ऊपर वाले जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा पासेस थ्रू दी पॉइंट उसमें से आप बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप बनाइए,
और इस लेसन में अब जो भी क्वेश्चन है आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, क्योंकि हम मेहनत किए हैं और उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगा तो आपको हम व्हाट्सएप पर क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो आप बैठ करके बनाइए, कहीं मत जाइए, ओके।